जानवी तुम्हारी शादी करा दूं? नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, शादी करने की सोचना भी मत। हेलो एवरीवन, मैं आराध्या, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कहो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही खास है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आ गए हैं मंदिर में और चलो नहला देते हैं अपने भगवान को। तो आज मैं जो है अपने भगवान को शैम्पू से नहलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम नहलाएंगे। हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी हैं, तो एक बड़े हैं एक छोटे हैं। तो चलिए फटाफट इनको नहला देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नहलाने के बाद जो है ना भगवान जो है बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं। अभी जो है इनको मैं वस्त्र वस्त्र वगैरह सब कुछ पहनाऊँगी, तो सबसे पहले मैं नहला देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ पानी से मैं इनको जो है नहला रही हूँ। नहलाने के बाद जो है मैं जो है एक मुलायम कपड़े से इनके शरीर को अच्छे से पोछूँगी, फिर कुछ इस तरह से दिखने लगे ना, आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे लक्ष्मी गणेश भगवान की, तो इनको भी हम नहलाएंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए दोस्तों, आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसलिए हम शैम्पू लगा देते हैं ना, जो चंदन का टीका लगाते हैं ना, तो इससे जो भगवान की तस्वीरें हैं थोड़ी सी मटमेली हो जाती है, तो इसलिए जो है इनको नहलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमारे सभी भगवान को मैंने नहला दिया है। इसके बाद हम जो है आसन पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखो सब लोग तैयार हो गए हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, तो यहाँ की भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी था। चादर भी गंदा हो गया था तो उसे भी चेंज करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक नया चादर जो है लगा दिया है, और इसके बाद जो बच्चों का खिलौना वगैरह था सब कुछ यहाँ पे सेट करके रख दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जानवी आ गई हैं। ये पीछे का मेरा जो है सीन है, तो घर के पीछे का आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अजीब सा क्यों दिख रहा था, क्योंकि हवा चल रहा है ना, तो अगर आप झाड़ू भी लगा दो तो भी फैल जाता है दोपहर तक। तो यहाँ पे जानवी आई थी तितली खाने के लिए, तो वही खा रही हैं। और आज का जो मौसम है बहुत ही सुहाना है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को दिखा देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर के बाद, ठीक है? दोस्तों, मैं आई थी पीछे और अब चल रहे हैं रूम में। दोस्तों, शाम हो गई है और यहाँ पे हमारे दोनों बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ बैठी हूँ। जो होमवर्क मिलता है ना स्कूल से, तो वही ये पूरा कर रहे हैं। इसे पूरा करने के बाद जो है रात को पढ़ाई करते हैं। स्कूल से आते हैं, दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद जो है मैं बैठा देती हूँ होमवर्क करने के लिए। जानवी तुम्हारी शादी करा दूं? नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, शादी करने की सोचना भी मत। क्यों? रोटी सब्जी करेला, तुम्हारी शादी करा दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि सोचना भी मत। दोस्तों, शाम हो गई है और मैंने जो है दीपक भगवान को जला दिया है। टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ, 6:30 हो गए हैं। तो हमें दीपक जो है कई जगह जो है जलाना पड़ता है, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था। आई होप आप लोगों ने देखा ही होगा। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता रही हूँ, शाम के टाइम जो है दीपक मंदिर में जलाते हैं, फिर घर के मेन गेट के सामने जलाते हैं, फिर अपने भोले बाबा के पास जाते हैं वहाँ जलाते हैं, फिर उसके बाद घर में आते हैं। तो जलाते जलाते टाइम समझ लीजिए कि 6:30 हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अभी जाएंगे जो है थोड़ी ही देर में किचन में, ताकि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लिया जाए। फाइनली दोस्तों, दिन जो है करीब आ गया है। मैं भी इंतज़ार था, मैंने आप लोग को बताया था ना अपने ब्लॉग में कि हमारी भाभी का जो है 9 महीना गया है। तो दोस्तों, फाइनली हमारी भाभी जी हॉस्पिटल जो है पहुँच गई हैं। आज उनको थोड़ी सी दिक्कत है तो गई हैं हॉस्पिटल, हमारे भैया लेके गए हैं। तो सोचा कि चलो आप लोगों को बता दें। और अब मैं जो है उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ जब हमारी
हमारी भाभी माँ बन जाएंगी और मैं बुआ बन जाऊंगी। देखते हैं क्या होता है, लड़का होता है लड़की, लड़का होगा या लड़की होगा दोनों की खुशी है चाहे जो हो, लेकिन हाँ सही सलामत हो जाए। आप लोग समझ ही सकते हैं 2021 से जोड़िए 2024 चल ही रहा है, 21, 22, 23, 24 यानी चौथा साल लगा हुआ था मेरे भाई की शादी की। हम लोग जो है ना कहीं भी जाते थे मंदिर तो हम लोग यही प्रार्थना करते थे कि हे भोले बाबा, हे मेरे भगवान, मेरे भैया को भी एक बच्चा हो जाए। मेरी मम्मी भी कहीं जाती थी ना तो मेरे भैया के लिए यही प्रार्थना करती थी, मेरा छोटा भाई है होता ही ना। तो फाइनली हमारे प्रभु जी सुन लिए और मेरे भैया को जो है बच्चा होने वाला है, भैया का मेरी भाभी का जो है बच्चा होने वाला है फाइनली। सच में मेरे परिवार में इतनी ज़्यादा खुशी की लहर है कि मैं क्या बताऊँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ना थोड़ी देर में ही बताऊँगी, क्योंकि अभी जो है भाई ने बताया था फ़ोन करके कि मैं जो है श्वेता को एडमिट कर दिया हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको दर्द हो रहा था। तो मैं पूछी कि बेबी हो गया क्या, बोले कि नहीं अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों जैसे जैसे घड़ी की सुइयां नज़दीक जा रही है ना, सच में दिल धक 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 कर रहा है होता ही है ना, अब होगा अब होगा अब होगा। ये सभी लोग जो है उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमारी दीदी जो हमारी दीदी दिल्ली रहती है वो भी बार बार फ़ोन कर रही हैं भैया क्या हुआ भैया क्या हुआ तो हम लोग जो है सच में बहुत हैप्पी है, आप लोग समझ ही सकते हैं। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारी भाभी के लिए दुआ करिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, क्योंकि हमने बातें काफ़ी सारी ज़्यादा कर ली है और अभी कुछ पता नहीं है, हम थोड़ी देर में बता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम है और अभी मैं अपने रूम में हूँ। आज मैं जो है कन्हैया जी का ड्रेस बनाने वाली हूँ, ये देख सकते हैं मैंने कपड़ा जो है कट कर लिया है और अभी चलेंगे हम ड्रेस बनाने अपने कन्हैया जी का। तो रेड कलर का है देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा कपड़ा था तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं, पहली बार ही बनाने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा जो कान्हा जी का ड्रेस है ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना रात को कि हमारी भाभी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो फाइनली उनको बेबी हो गया है। तो रात को हम इतना ज़्यादा खुश थे ना, इतना ज़्यादा खुश थे कि क्या बताएं। और मैंने कैमरा भी नहीं उठाया था क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने कैमरा भी नहीं उठाया और मैं सोची कि चलो सुबह आप लोगों को बता देंगे। तो दोस्तों आज हमारी तरफ से आप सभी को पार्टी है, क्योंकि मैं बुआ बन गई हूँ और उम्मीद है कि आप लोग जो है हमारी बिटिया रानी को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे और दुलार देंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है आशीर्वाद ज़रूर देना। तो दोस्तों चलो मैं बता देती हूँ कि लड़का हुआ कि लड़की, तो फाइनली हमारी भाभी को लड़की हुई है और मैं बहुत हैप्पी हूँ दोस्तों सच में। तो मैं जो है चाउमीन ठंडा समोसा यही सब मंगाया हुआ है, तो सबको दे दिया है, बस अपने लिए जो है रखी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो है लीची पीने वाली हूँ। दोस्तों बुआ बनने की खुशी में छोटी सी पार्टी, तो आप लोग देख सकते हैं ठंडा चाउमीन समोसा यही सब कुछ मंगाया हुआ है, तो सबको मैंने दे दिया है खाने के लिए। आप लोगों को मैंने खुशखबरी दे दी, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। बहुत ही जल्दी आपकी आराध्या फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।